पाकिस्तान के जो स्टैटिक्स हैं ब्रेस्ट फीडिंग के लिए वो बहुत ही पुअर हैं। हमारे यहाँ ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करने के वक्त सिर्फ 18% माएँ अपने बच्चों को अपना दूध पिलाती हैं। पाकिस्तान में जो बच्चे एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड होते हैं उनकी शरह सिर्फ 37% है। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में आधे बच्चे स्टंटेड हैं, यानी कि उनका कद अपनी उम्र के हिसाब से छोटा है, और इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग ना होना है। माँ का दूध पिलाने से ना सिर्फ माँ बल्कि बच्चे दोनों को फायदे होते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा माँ को ये होता है कि माँ की बॉडी जिस चेंजेस से गुजरी होती है प्रेगनेंसी के दौरान, ब्रेस्ट फीड करने से बॉडी जल्दी अपने नॉर्मल लेवल पे वापस आती है। तहकीक ने यह भी प्रूव किया है कि जो माएँ अपने बच्चों को अपना दूध पिलाती हैं उनमें आगे जाके ब्रेस्ट कैंसर्स की शरह कम हो जाती है। ब्रेस्ट फीडिंग से माँ और बच्चे में एक बॉन्ड बनता है और बच्चे में साइकोलॉजिकल यानी कि नफ्सियाती मसले भी कम होते हैं। इनिशियली 2-3 दिन में जो ब्रेस्ट मिल्क आता है वो कोलोस्ट्रम होता है। कोलोस्ट्रम दूध का वो हिस्सा होता है जो आपको एंटीबॉडीज़ पहुंचाता है, यानी कि एंटीबॉडीज़ आपको इन्फेक्शन से बचाती हैं और ये बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। 2-3 दिन में कोलोस्ट्रम जो है वो चेंज होके गाढ़ा मिल्क बन जाता है और ये प्रोसेस तभी ईजिली होता है जब बच्चे को बार बार अपना दूध पिलाती है। हर बच्चे को जो है 1.5 घंटे से 3 घंटे के दरमियान फीड की ज़रूरत होती है और बच्चे को ऑन डिमांड इसी वक्फे से दूध पिलाना चाहिए। एक नॉर्मल न्यूबॉर्न बच्चे को 8 से 12 फीड्स की ज़रूरत होती है 24 घंटे में, तो हो सकता है बच्चा शुरू में आधे आधे घंटे से फीड ले और किसी टाइम पे 3 या 4 घंटे की ब्रेक ले ले। सबसे पहले माँ की बॉडी जो है वो कंफर्ट में होनी चाहिए। जितनी माँ की बॉडी कंफर्ट में होती है उतना दूध जो है ज़्यादा आसानी से आता है। अगर माँ का जिस्म तकलीफ में होगा तो उससे मिल्क प्रोडक्शन जो है वो अफेक्ट होती है। ब्रेस्ट मिल्क जो है वो 80% लिक्विड होता है, इसलिए आपको चाहिए कि आपकी बॉडी का लिक्विड कॉन्टेंट अच्छा हो। एक तो बेबी को हर 3 से 4 घंटे या 2 से 4 घंटे में खुद उठ के दूध मांगना चाहिए और भूख लगनी चाहिए। बेबी की अर्ली हंगर की जो है आप साइंस जो है वो रिकग्नाइज कर लें, यानी कि बेबी को जब भूख लगना शुरू हो जाए तो वो आप साइंस देख लें, यानी कि बच्चा मुंह खोल के आंखें खोल के दूध को ढूंढने लगे, उस टाइम जो होता है वो बेस्ट टाइम होता है कि बच्चे को आप दूध ऑफर करें, बनिस्बत उस टाइम के जब बच्चा बाकायदा गुस्से में रोना शुरू कर दे, क्योंकि उससे जो है बच्चे को फ्रस्ट्रेशन होती है और वो फीड सही नहीं ले पाता। एज सच रिसर्च से कोई चीज़ प्रूवन नहीं है जिसकी जो है परहेज़ करनी चाहिए। 2 चीज़ें जो रिसर्च ने मना की है वो भी एक्सेस में नहीं लेनी चाहिए, बहुत ज़्यादा चाय या कैफीन नहीं लेनी चाहिए, और दूसरा कुछ कल्चर्स में मछली बहुत ज़्यादा खाई जाती है तो मछली को भी बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, यानी कि दिन में एक बार या हफ्ते में 1-2 बार अगर आप खाएँ तो उसका कोई नुकसान नहीं है। WHO ने कोविड होने वाली मदर्स को भी ब्रेस्ट फीडिंग पिलाना मना नहीं किया, यानी कि अगर आपको कोविड है या आपने टेस्ट पॉजिटिव किया है तो फिर भी आप ब्रेस्ट फीडिंग कर सकती हैं, लेकिन उसके लिए आपको एहतियाती तदाबीर लेनी होंगी। सबसे ज़रूरी जो आम हम लोग तदाबीर लेते हैं, एक तो यह कि आपको मास्क पहन के ब्रेस्ट फीड करना चाहिए, दूसरा जब भी आप मिल्क अपना पिलाने के लिए उठाएं तो आप हाथ अच्छी तरह से साबुन से धो लें, और अगर मदर की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो अपना मिल्क एक्सप्रेस करके किसी और कंटेनर में डाल के भी बच्चे को पिला सकते हैं, यानी कि बोतल से या चम्मच से बच्चे को पिलाया जा सकता है।